तो देखते आंखों और सुनते कानों को शाहरुख का सलाम पहुंचा। और आज की क्लास में मैं बनाने जा रहा हूं फ्री फायर का थंबनेल। और ये रिक्वेस्ट है हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त की, जिन्होंने मुझे 2 से 3 मरतबा कहा कि शाहरुख भाई फ्री फायर का थंबनेल बना दें। तो आज मैं उनकी ख्वाहिश पे फ्री फायर का थंबनेल बनाने जा रहा हूँ। बट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे डिस्कस करता चलूँ कि कुछ लोगों को जो मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं वो बेल आइकन पे क्लिक करते हैं, तो बेल आइकन उनसे दबता नहीं है और ऑल होता नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करें, अगर ऐसा इशू आपके पास आ रहा है तो चैनल को दोबारा ना सब्सक्राइब करें, दोबारा सब्सक्राइब करें उसके बाद, और दोबारा फिर बेल आइकन पे जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिलहाल जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपना फ्री फायर का थंबनेल। तो सबसे पहले आप लोगों ने साइज ले लेना फाइल पैक के न्यू, और साइज आप लेंगे यहाँ से, मैं आपको उसका साइज दिखा देता हूँ। इसका साइज है 1280x720। तो फाइल पैक आप न्यू क्लिक करेंगे और 1280x720 ये वो साइज है जो यूट्यूब रेकमेंड करता है। रेजोल्यूशन 72 रखिएगा, RGB कलर फॉर थंबनेल, ठीक है, जो यूट्यूब खुद रेकमेंड करता है कि साइज ये होना चाहिए यूट्यूब के थंबनेल के लिए। उसके बाद व्हाइट कलर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद आपने करना है कि आपने फाइल पे आना है, आपने ओपन करना है, ओपन करके यहाँ से ये इमेज उठा के आपने कर लेना है ओपन। उसके बाद कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, देन कंट्रोल सी कॉपी, देन कंट्रोल वी पेस्ट, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर कंट्रोल टी से इसको ट्रांसफॉर्म कीजिएगा और ऑल्टर के साथ इसको थोड़ा छोटा कीजिएगा ताकि चारों तरफ से छोटा हो, और उसको आपने यहाँ रख दिया, ठीक है जी। ये तो आपका पार्ट एक हो गया। उसके बाद यहाँ से आप लेंगे पेन टूल, पेन टूल ले लें या फिर आप ये ले लें पॉलीगोनल लेसो टूल। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक लेयर खोलनी है और उसका आपने इस तरीके से थोड़ा सा लाइन लगा देनी है यहाँ से यूँ, ठीक है, और उस पर ब्लैक कलर कर देना है, ठीक है, और इसको आपने फिल कम कर देना इतना, ठीक है, 63 करते हैं काफ़ी है। उसके बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे और लेंगे ग्रेडियंट मैप, और ग्रेडियंट मैप क्लिक कीजिएगा इस पर, बेसिक में आके यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट कलर लीजिएगा, इसको ब्लैक कीजिएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ आपने ब्लैक करा और यहाँ पे आपने कलर चेंज कर दिया ये वाला, ठीक है, ओके करा आपने, देन ओके करा और उसको बंद कर दिया, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आप इसको बंद कर दें, यहाँ से फाइल पे आए ओपन, ओपन करने के बाद आपने ले लिया ये ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्रोल ए करा सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, इसको यहाँ करा पेस्ट, इसको रखा आपने यहाँ पे, इसको कर दें यहाँ से बंद, ठीक है जी। और अब आपने करना है क्या, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके आपने सिंपल इसको याल ऑप्शन ले लेना है, ठीक है, और तो यहाँ रख देना है। अब आपने सिंपल क्या करना है, फाइल पे आना है ओपन, ओपन के बाद यहाँ से एंटी ले लेनी है, ओपन करा आपने, इसको उठा के आपने रखना है यहाँ पे, और इस तरीके से थोड़ा सा नीचे राइट क्लिक करके इनको कर दीजिएगा कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी से इनका साइज कीजिएगा थोड़ा सा छोटा और तो रख दीजिएगा आपने यहाँ पे, ठीक है जी। और मेरे ख्याल से कंट्रोल टी से थोड़ा सा इसको मैं और छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसे करते हैं आप, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया ये क्लियर। अब हम इनको करेंगे बंद। उसके बाद यहाँ से लेंगे हम ब्रश, यहाँ से लेंगे पूरा येलो कलर एकदम अलग, ये वाला, ठीक है जी, ब्रश का हमने कलर लिया और इसको हमने देख लिया हार्डनेस 0 हो, साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, क्लियर खोली, ठीक है, और ब्रश टूल लिया आपने, ब्रश टूल का साइज बहुत छोटा आ रहा है, सॉरी ब्रश 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 ये रहा ब्रश टूल, ठीक है, थोड़ा छोटा करें, ठीक है जी, काफ़ी है। और आपने यहाँ पे क्लिक कर, ये येलो टू कलर आ गया, इसको कलर को उठा के आपने इसके नीचे रखा लड़की के, और उसको उठा के आपने यहाँ पे रखा और आपने इसको कर दिया हार्ट लाइट, हार्ट लाइट, ठीक है जी। ये कंट्रोल से थोड़ा सा बड़ा कर लें चाहे तो, थोड़ा सा लिटिल बिट बड़ा कर लें, ओके जी, क्लियर है। उसके बाद आप फाइल में आते हैं ओपन, ओपन के बाद यहाँ से लिया आपने ये, इसको ओपन करा, ये क्रॉस को उठा के आपने यहाँ रखा इस साइड तरफ ऐसे ऐसे, इसको बंद कर दिया आपने। उसके बाद आप फाइल पे आते हैं ओपन, और ये उठाऊंगा मैं एक और इसको उठा के यहाँ रखूंगा, इसको यहाँ रखूंगा, इसको क्लोज करूंगा, इसको उठा के इसकी बैक साइड पर रख दूंगा ऐसे, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपने करना है क्या है कि फाइल पे आना है ओपन, और ये वाली PNG उठानी है, ओपन करा, इसको उठा के आपने ड्रैग करते हुए यहाँ लेके आएंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक है जी, इसको कर देंगे आप हार्ड मिक्स, हार्ड मिक्स, ठीक है,
और अगर आप हार्ट में नहीं भी करते तो उसको यहाँ से डायरेक्ट 48 कर दें तो मेरे ख्याल से सही है, वैसे नॉर्मल करके देखें तो सही है, हार्ट मिक्स कर दें लुक गुड। तो आपने यहाँ से कर दिया इसको हार्ड मिक्स और इसको रखा यहीं पे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने टेक्स्ट टूल लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है और टेक्स्ट लिखना है आपने रोबस, ठीक है। और रोबस बेसिकली एक फॉन्ट है तो यही फॉन्ट मैंने यूज़ कर लिया और यही मैंने नाम रख दिया रोबस, ठीक है जी। अच्छा अब आप इसको सेलेक्ट करा तो साइज थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है इसको यहाँ लें। अभी थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है ये बी, मुझे मज़ेदार नहीं लग रहा। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक आपको कुछ ऑप्शन देगा, ठीक है। तो आपने ये वाला ऑप्शन ले लेना है तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा इस पर डबल क्लिक करें दोबारा ताकि सेलेक्ट, और ये दिखेगा कि यहाँ से बोल्ड ना हो। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा ऐसा ही नहीं आ रहा, इसको सेलेक्ट करें, इस पर चेक हटाएं तो ये देखेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया था। तो आपने रोबस यहाँ लिख दिया। अच्छा जी अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसको आपने करा डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद नीचे वाले फॉन्ट को सेलेक्ट करा और थोड़ा सा उसको नीचे लेके आए और इसका कलर चेंज कर दिया। यहाँ से कलर ले लीजिएगा, हमने कलर ले लिया थोड़ा डार्क, ठीक है। एरो लिया थोड़ा सा और नीचे करा इसको तो ये एक 3D शेप टाइप का लुक देने लगा, ठीक है। अब हमने करना है क्या है ज़रा गौर से दिखिएगा, इसके बीच में ग्लेयर खोलेंगे आप और उसको कर लेंगे आप जूम, ठीक है। यहाँ से लेंगे ये कलर टूल, कलर पिक करेंगे, यहाँ से आप लेंगे पॉलीगनल लेसो टूल और इसी लेयर पर रहते हुए आप इसके पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे, क्लिक करा ऐसे शिफ्ट के साथ क्लिक, यहाँ पे यहाँ यहाँ और पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे आप, ठीक है। और ऑल्टर बैकस्पेस से इसको मिला देंगे तो आप देखेंगे आपका 3D लुक आ गया है। अच्छा जी इसी तरीके से आपने पॉलीगनल लेसो टूल लिया हुआ है, यहाँ क्लिक करना है शिफ्ट के साथ, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ यहाँ और पॉइंट से पॉइंट मिलाना है, ठीक है जी। अल्ट बैकस्पेस करेंगे तो कलर आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से अब हम आते हैं यहाँ पे, देखते हैं जहाँ जहाँ खाली सा है, यहाँ क्लिक करा, यहाँ 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 और ये अल्ट बैकस्पेस, ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक करा ऐसे ऐसे, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे कर देंगे अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हो कहीं से, ओके जी यहाँ तक तो बेस्ट हो गया, ठीक है जी। अब आपने करना है क्या है कि ऊपर वाला टैक्स सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल क्लिक करना है ताकि सिलेक्शन लोड हो, एक लेयर और खोलनी है, इसमें देना है अपने व्हाइट कलर, यहाँ से लेंगे आप सिलेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करें एक और फिर राइट एरो दबाएं राइट साइड पर और डिलीट दबाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हल्का नहीं आया, थोड़ा सा आपको हल्का सा नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, थोड़ा सा राइट पे करता हूँ, डिलीट करता हूँ तो देखिए हल्की सी एक व्हाइट लाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है जी। इसी तरीके से दोबारा इसको लोड करें, एक लेयर और खोलें और कंट्रोल बैकस्पेस से व्हाइट कलर, दो मरतबा ऊपर दो मरतबा लेफ्ट, फिर डिलीट दबाएं तो आपको व्हाइट लाइनिंग यहाँ पे इस पर दिख रही होगी हल्की सी, ठीक है जी। अब आपने इसको यहाँ से बंद करना है, फाइल पे आना है ओपन, ओपन करने के बाद आपने ये उठा लेना है, इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे और यहाँ छोड़ेंगे और यहाँ रखेंगे इस टेक्स्ट के ऊपर, ऑल्टर बैक ऑल्टर दबा के जब इसके और इस फॉन्ट के बीच में आएंगे तो ये इसके अंदर ग्रुप हो जाएगा, ठीक है जी। इसको यहाँ रखें ऐसे और आपने इसको कर देना है सॉफ्ट लाइट, तो इस तरीके से यहाँ पे शो रहा होगा, ठीक है जी। अब आप इसको बंद करें, फाइल पे आते हैं ओपन, यहाँ से लेते हैं आप लोगो, इस लोगो को उठा के यहाँ रखते हैं आप, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, उसको थोड़ा सा छोटा करके आप रखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक करा और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया आपने, मैं यहाँ से लेता हूँ बीबस फॉन्ट, ठीक है जी रेगुलर, इसका तो साइज छोटा करें थोड़ा सा आप, ठीक है। और यहाँ पे आके देखिएगा ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, इसको तो ज़ीरो कर दें अगर हो तो, ठीक है। इसको रखें यहाँ पे, कंट्रोल टी से छोटा करें इसको और इसको रख दें यहाँ पे, ठीक है। अब राइट क्लिक कीजिएगा इसी पे आके सी लेयर पे और ब्लेंडिंग ऑप्शन, और यहाँ से लेंगे आप ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट मैंने यहाँ से लिया हुआ है ये कलर एक साइड पे और दूसरी साइड पे मैंने लिया हुआ है ये कलर, ठीक है। ये सेटिंग देख लें आप, 4 बार 6 बार ऐप, ठीक है जी। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से, क्लियर है। फिर आपने टॉप पे आके क्लियर खोलनी है, ठीक
अब यहाँ से थोड़ा सा काम स्टार्ट होता है आपका। यहाँ से लिया आपने पॉलीगनल लेसो टूल, आपने बारीक सा स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है। और इसमें कलर दे दिया आपने येलोइश, फुल येलोइश कलर, ठीक है जी, शार्प येलो। ऑल्टर बैक स्पेस, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप इसकी डुप्लीकेट करते चले जाएं, थोड़ा सा यहाँ रख दें, इसको घुमा दें कंट्रोल टी से ऐसे, ठीक है, ताकि टाइम बचे आपका। थोड़ा यहाँ रख दें आपने, तो ऐसा घुमा दिया ऐसे यहाँ पे, ठीक है। इसकी कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट बनाएंगे उसको रखा यहाँ पे, कंट्रोल टी से उसको छोटा भी कर दिया और उसको रख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने इधर भी बना दिया, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट कर उसमें रखकर, अब इसका कलर आप भला सा वाइट कर दें, कंट्रोल ये से इसका आपने कलर वाइट करा ऐसे, ठीक है। यहाँ रखा कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजेंटल, इसको हॉरिजेंटल करके इसको घुमा दिया ऐसे, ठीक है। ये जो मैंने कलर वाइट करा है, कंट्रोल यू करके, यू एंड सेचुरेशन खोला था, उसको वाइट कर दिया, ठीक है। इधर एक यहाँ रख देते हैं, ठीक है, काम आपका जल्दी हो जाएगा। इसको यहाँ रखेंगे आपने, ठीक ये लो, इसमें यहाँ रखते हैं कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसमें यहाँ रखा, और इसी के साथ एक वर्ड लगा देते हैं कंट्रोल जे डुप्लीकेट, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया कंट्रोल टी से, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। उसके बाद सबसे टॉप पे आ जाएं आप, एक लेयर खोलें और येलो कलर हो, ब्रश का साइज थोड़ा छोटा हो, एक क्लिक यहाँ करा, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ, इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह। लीनियर डॉच कर देंगे यहाँ से आप, लीनियर डॉच, और उसको कर देंगे आप 32 या 35, 35 कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से इसको करें क्लोज, फाइल पे आते हैं ओपन, यहाँ से उठा लें बुलेट, उठा के यहाँ रखें, ठीक है, यहाँ रखे आपने, इसकी डुप्लीकेट कर ली कंट्रोल जे से, चाहे तो ड्रैग करते हैं यहाँ पे, फिर कंट्रोल टी से इसको छोटा कर आपने ऐसे यहाँ पे रखा, तो यहाँ रखते हैं थोड़ा सा छोटा और करते हैं इसको, इसकी डुप्लीकेट करें कंट्रोल जे से, ठीक है, कंट्रोल टी, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, यहाँ रख दें, ठीक है जी। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं, फाइल ओपन, और 6 नंबर की पिन जो उठा के यहाँ रखिएगा, यहाँ रखा आपने, तो क्लोज करा, थोड़ा सा उसको उठा के नीचे रख देते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको मास्क देते हैं, यहाँ से ब्रश टूल लेते हैं, कलर ब्लैक करते हैं, और इसको यहाँ से जो इसका शेड आ रहा था इसको आपने हल्का सा रिमूव कर दिया शेडो से, ठीक है। फाइल ओपन, यहाँ से आपने ले लिया, इसको उठा के आपने यहाँ रखा, ठीक है जी, यहाँ रखते हैं। इसको भी मास्क देके हल्का सा चाहे तो रिमूव कर दें, जैसे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियर हो गया जी यहाँ तक। उसके बाद ओपन करें, 11 नंबर का जीपी उठा के यहाँ पर रखिएगा सबसे टॉप पे, और यहाँ से आपने कर देना इसको स्क्रीन। तो यहाँ तक हमारा तकरीबन मैं समझता हूँ 80% काम हो चुका है। कुछ थोड़ी चीज़ें हैं वो हम करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट की सेटिंग कर लूँ मैं। अच्छा, इसको लॉक लगा दें ताकि हम दूसरी चीज़ों को मूव करें तो ये मूव ना, अगर मैं इस टेक्स्ट को मूव करता हूँ, देखें ये मूव हो रहा है, तो इसको लॉक कर दें ताकि अपनी जगह पर रहे। अच्छा, अब इसको सिलेक्ट करा मैंने, और यहाँ तक मैंने सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। अच्छा, ये किस रह गई, ये कहाँ पर है, ये यहाँ पे, ओके, ये और ये होगा, ठीक है। अच्छा, इसको इसको एक ग्रुप में कर देता हूँ सेलेक्ट करके, कंट्रोल जी ग्रुप, इन सबको कंट्रोल जी ग्रुप, तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं सेंट्रल यहाँ पे, यहाँ पे सही है, ओके जी। और लोगों को थोड़ा सा यहाँ रखा मैंने, क्लियर। अब हमारा थोड़ा सा जो काम बाकी रह गया वो भी हम कर लेते हैं, इसको भी लॉक कर दें। यहाँ से हम लेंगे कलर ऑरेंज, ठीक है जी, और सबसे टॉप पे आएंगे, एक लेयर खोलेंगे, और यहाँ से ब्रश टूल लेके
राइट थोड़ा सा बड़ा करेंगे, हल्का सा यहाँ पे फेरेंगे और इसको कर देंगे हम ओवरले। ठीक है, थोड़ा सा उठा के एरो लीजिएगा, थोड़ा सा उठा के यहाँ रखें, बल्कि दोबारा से इसको डिलीट करते हैं, इसको फेर देते हैं हम, थोड़ा सा छोटा करें। और ये क्या है, बुलेट है ना, एक क्लियर कोली, तो हमने ऐसे मारा यहाँ पे और इसको कर दिया हमने ओवरले। ठीक है जी। अच्छा, यही कलर क्योंकि ये स्पार्क्स हो रहे हैं तो ये ऑरेंज कलर और रेडिश कलर आ रहा है, तो ये क्लियर और खोल के हम फेस पे भी हल्का सा इसको ट्यून अप करेंगे, थोड़ा साइज छोटा करें, हल्का सा क्लियर खोली भी आपने, ठीक है, और हल्का सा आपने इसको इधर मारा और इसको भी आपने कर दिया ओवरले इस तरीके से। ठीक है, या एक काम करें आप, इसको कर दें विविड लाइट, थोड़ा सा मास्क दीजिएगा और थोड़ा सा इसको यहाँ से रब करें हल्का सा ज़्यादा। ठीक है जी, और थोड़ा सा ना एक लेयर और खोल के इसके इस साइड के कपड़ों पे भी आपने मार देना है और इसको कर देना है आपने विविड लाइट। ठीक है, सही विविड लाइट करा और उसके हाथ से, बल्कि यहाँ से थोड़ी सी ऑपोसिट इसके कम कर दें, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, थोड़ा सा कम करा आपने, तो ये इस किस्म का शेप आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, अब आप फाइल पे आते हैं, यहाँ से करते हो ओपन, और ये 3 नंबर की पेंसिल ले लेता हूँ मैं और उसको उठा के रखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, फिर कंट्रोल टी करता हूँ, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसको घुमाता हूँ ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे यहाँ रखे आपने, ठीक है, थोड़ा सा साइज छोटा कर लें इसका, थोड़ा सा और। अब इसको मास्क दीजिए और हल्का सा इसको रब कीजिएगा, थोड़ा सा इसको हार्डनेस बढ़ा लें, थोड़ा सा इसका साइज छोटा करें, हल्का हल्का सा रब कर दें यहाँ से। ठीक है जी, हम इसको बंद कर दें, फिर फाइल पे आए ओपन, और यहाँ से ले लेंगे ये वाला, फिर उसके बाद यहाँ से लीजिएगा पॉलीगनल लेसर टूल, इसको सिलेक्ट कीजिएगा इस वाले को ऐसे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करा, इसको करा कॉपी और यहाँ कर दिया आपने पेस्ट। ठीक है, इसकी डुप्लीकेट बना लीजिएगा और एक डुप्लीकेट को हाइड कर दीजिएगा, फिर इसको कंट्रोल की से यहाँ रखा आपने। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा से, फिर इसकी बनाएंगे आप जो डुप्लीकेट बनाएंगे वो ऑन करी, इसको खोला आपने यहाँ से ऐसे, इसको रोटेट करा, राइट क्लिप, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको पॉइंट से पॉइंट मिलाया आपने। उसके बाद आप आएंगे एडिट में, आप यहाँ से लेंगे पपेट रैप, एक क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, एक क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, एक क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, एक क्लिक यहाँ करेंगे, इस पॉइंट को ऐड करेंगे यहाँ पे, इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करके इसको ऑल्टर क्लिक से इसको हटा दीजिएगा और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ ले आएंगे आप। ठीक है, ऐसे, और इसको रखेंगे ऐसे, ठीक है, इसको रखेंगे थोड़ा ऐसे और इसको रखेंगे थोड़ा ऐसे। ठीक है, इस पर क्लिक करके अप्लाई करें, इसको मास्क दें फिर आप, ठीक है, और इसको रब करें। ठीक है जी, बेहतरीन हो गया, थोड़ा सा इसको आगे इसके वाले शिफ्ट के साथ, इसको और इसको दोनों का कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको आगे आप कर लेंगे यहाँ से, रह गया ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इसको सेलेक्ट करें, तो थोड़ा सा यहाँ रखना है आपने। ठीक है, अब दोबारा से इसको मिटाना होगा थोड़ा सा, ठीक है, और इसको ऑफ लाना होगा, तो व्हाइट कलर लीजिएगा और इस लेयर को सिलेक्ट करके हल्का सा आप करेंगे रब और ये आ जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा मिटा लें। जूम करके कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, एक लेयर खोलनी है यहाँ पे और फिर शेडो देना है ब्लैक सॉफ्ट, साइज और ओपेसिटी कम,
हल्का सा यहाँ पे आपने इसको देना होगा ऐसे, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है जी। और उसको यहाँ से आपने थोड़ा सा और कम करके देख लें। ओके जी, काफ़ी है। अब इन सब को, इन तीनों जंजीरों को आपने राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करा, ठीक है, और कंट्रोल यू कर लें, कलराइज कर दें इसको, हल्का सा रेडिश देना है आपने, ठीक है। हल्का सा रेडिश दिया, थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है जी। और उसके बाद कंट्रोल क्लिक करा, एक लेयर खोली, यहाँ से रेड कलर ले लें या ऑरेंज ले लें, और हल्का सा इस पर आपने फोकस की कम रखनी है और ऐसा फेरना है, ठीक है। ये आपने फेरा इस पर, और इसके बाद यहाँ से आपने लेना है लीनियर लाइट, और थोड़ा सा आपने इसको कंट्रोल सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको आपने और फेरना है, ठीक है। ओके जी, ये बेहतरीन होगी, करके देखें। इसको थोड़ा सा आप चाहें तो कम कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर लें, लिटिल वेट, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ओके जी, बेहतरीन। तो ये आपका YouTube का थंबनेल तैयार है फ्री फायर का, ठीक है जी। तो चाहें तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा रॉबस, ठीक है, इसकी जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको कोई अपना डिज़ाइन बनवाना हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे भेज सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो कोई भी आपको डिज़ाइन बनवाना हो किसी किस्म का, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए उसको मैं बना सकूँ। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।